नमस्कार। पूजा के बाद पूजा में चढ़ाई हुई सामग्री जैसे फूल, पत्ती, अनाज, नारियल के रेशे, दिए, इनका क्या करें? ये समस्या हो जाती है। इनके लिए हम आज आसान तरीका बताने जा रहे हैं और इसके बाद आप इन्हें ना फेंकेंगे और ना ही प्रवाहित करेंगे। ये देखें, ये हैं गेंदे के फूल और आम के पत्तों की माला। फूल और पत्तियाँ कोई और तरह के भी हो सकते हैं। और ये चावल, लाई यानी कोई भी अनाज, और हल्दी कुमकुम। अनाज पक्षियों को खाने के लिए डाल दें और हल्दी कुमकुम गमले की या किसी पेड़ पौधे की मिट्टी में डाल दें जहां उस पर पाँव ना पड़ते हों। और इसके बाद अब ये फूल इन्हें इस तरह से तोड़ लें या इन्हें बारीक बारीक काट लें। पत्ते भी इसी तरह काट कर रख दें। ऐसा करने से ये जल्दी सूख जाएंगे। इन्हें सुखाने के लिए धूप या छाया कहीं भी रख सकते हैं। ये फूल के नीचे रेशे सीखों जैसे थोड़े काले से दिख रहे हैं। ये पके हुए फूल के बीज हैं और इन्हें गमले या जमीन में बो सकते हैं। और इसके बाद ये देखें, ये फूल और पत्तियां सूख गए हैं। इन्हें हम मसल कर दिखा रहे हैं। ये देखें इस तरह से। अब इन सबको मिक्सी में पीस लेंगे। इस तरह जार में भर देने और पीस लें। और पीसने के बाद ये देखें इस तरह का पाउडर दिखेगा। इसकी मात्रा थोड़ी कम हो गई है। इसको थाली में रखकर दिखाएंगे। इसमें बढ़िया खुशबू आ रही है। ये देखें पाउडर, ये इस तरह से दिखेगा। और अब इसके बाद इसका क्या करना है ये बताएंगे। और ये गमले में पौधे लगे हुए हैं। इस पाउडर को उपयोग करने का एक तरीका यह है कि इसमें एक या डेढ़ चम्मच ये पाउडर इस तरह डालकर फैला देंगे और खुरपी से मिट्टी उलट पुलट कर इसे मिला दें। यदि आपके पास गमले नहीं है या गमले रखने की जगह नहीं है तो इस तरह पाउडर बनाकर अपने मित्र या जिसे जरूरत हो उसे दे दें। या डिब्बे में भर कर रख दें और बाद में उपयोग ले सकते हैं। अब इस तरह इसे मिट्टी में मिला देंगे। अब ये नारियल के रेशे इन्हें इस तरह से अलग अलग करेंगे तो इस तरह इनमें एक तरह का पाउडर निकल आएगा और ये रेशे और पाउडर दोनों काम आएंगे। ये पाउडर से बढ़िया खाद बनती है और इसकी खाद को कोकोपीट कहते हैं। अब एक छोटे गमले में ये थोड़ी मिट्टी है इसे नीचे डाल देंगे और इस तरह ढेले तोड़ लेंगे इसके और इसका कुछ हिस्सा इस तरह अलग कर दें। और ये है दिवाली का दिया। ये गमले में जो छोटा सा सुराख दिख रहा है इसमें इसे रख देंगे जिससे पानी के साथ मिट्टी बाहर ना निकले। इस तरह रखना है। अब इसमें ये नारियल के रेशे इस तरह से रख देंगे, इससे चींटियां सुराख के अंदर गमले में नहीं आएंगी और पौधे की जड़ों को फैलने से जगह भी मिलेगी। अब इस फूलों के पाउडर को इस मिट्टी में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिला देंगे। इसके बाद नारियल के रेशों का पाउडर भी इसी में मिला दें। और अब इस मिट्टी को गमले में डालकर भर देंगे और गमले में भरने के बाद मिट्टी इस तरह से दिखेगी। इस सबको मिलाकर एक या डेढ़ महीने में अच्छी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। और एक काम और करेंगे, इसमें ये बची मिट्टी जो है
थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरह से डालकर फैला दें और इसमें चने या धनिया के बीज या मेथी के दाने इसमें इस तरह बो दें और थोड़ी मिट्टी ऊपर से इस तरह से डाल दें और ऊपर से हल्का पानी इसमें डाल देंगे और ठंड है तो धूप में रखें, जल्दी उगाएंगे। और इसके बाद पूजा में चढ़ाई सामग्री कभी नहीं फेंकेंगे।